क्लाउड पॉइंट, पोर पॉइंट और इग्निशन पॉइंट, इन सारे टेम्परेचर में डिफरेंस क्या होता है एक बार इसको बता दीजिए। तो लेक्चर तो पहले प्लान था थ्योरी ऑफ फेलियर पार्ट टू, बट उससे पहले मैं एक स्मॉल वीडियो इसी पे सोचा मैंने बना के आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। तो इस स्मॉल लेक्चर में हम लोग उतना ही चीज़ जानेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है कि इन सबके टेम्परेचर में डिफरेंस क्या होता है, इन सारे टेम्परेचर में। बेसिकली डिटेल्स में ये तो केमिकल इंजीनियरिंग में है, बट हमें उतना जानना है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले फ्लैश पॉइंट, देखिए जब भी वर्ड फ्लैश आएगा आप सभी को पता है फ्लैश का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस, कोई भी चीज़ कुछ टाइम के लिए है, लाइक मोमेंटरी, दैट इज स्पार्क। अगर मैं आपसे पूछूं स्पार्क और आर्क में डिफरेंस क्या है, स्पार्क मोमेंटरी होता है कुछ टाइम के लिए, आर्क कंटिन्यूस होता है। सिमिलरली फ्लैश पॉइंट, नाम से क्लियर होगा फ्लैश मतलब ये कुछ टाइम के लिए दिखेगा। पहले हम देखते हैं सबके डिफिनेशन क्या है फिर इसको समझेंगे। फ्लैश पॉइंट की डिफिनेशन है द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड इग्नाइट्स ब्रीफली या फ्लैश लेस देन आर क्लोज टू 5 सेकेंड्स ऑन एक्सपोजर टू ओपन फ्लेम। इस कहने का मतलब यह है कि फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर वो लोवेस्ट टेम्परेचर है जिस पर कोई भी लिक्विड इग्नाइट होगा और फ्लैश प्रोड्यूस करेगा, बट ये फ्लैश का टाइमिंग क्या होगा, क्लोज टू 5 सेकेंड आर लेस देन 5 सेकेंड, उसके तुरंत बाद ये फ्लैश ऑफ हो जाएगी। आपने अगर कभी देखा होगा फूड फास्ट में खाना खाया होगा, जब बाहर जाके जितने फूड फास्ट होते हैं वहाँ पे आप कुछ देखते होंगे जब वो लोग फ्राई करते हैं तो थोड़ा सा फ्लैश बाहर निकलता है, तो वो कुछ टाइम के लिए होता है। तो फ्लैश पॉइंट में कोई भी लिक्विड है या कोई भी वोलाटाइल मटेरियल है, जो वोलाटाइल लिक्विड है, वोलाटाइल मटेरियल है, कोई भी है, वो इग्नाइट होगा कुछ टाइम के लिए ऑन द एक्सपोजर टू ओपन फ्लेम। जब तक फ्लेम है तभी तक रहेगा ये, हमने फ्लेम दिया कुछ टाइम के लिए इग्नाइट हुआ और उसके बंद हो गया, तो वो था फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर। फायर पॉइंट, फायर का मतलब होता है कंटिन्यूस, या फ्लेम बोलिए या आर्क बोलिए, मतलब ये कंटिन्यूस रहेगा। द टेम्परेचर एट विच एनी वोलाटाइल लिक्विड लाइक कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, लुब्रिकेंट ऑयल है, फ्यूल ऑयल, इंजन ऑयल, कुछ भी हो, कैचेज फायर एंड कंटिन्यूज टू बी इन द फ्लेम इन द प्रेजेंस ऑफ ओपन फ्लेम। हमने पहले फ्लेम दिया और फायर कुछ टाइम के लिए दिखा हमें, कुछ टाइम के लिए दिखता है उसको बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। और वही फायर अगर कंटिन्यूस आ गया कि आप फ्लेम दे दिया आपने और वो फायर कंटिन्यूस है, ऑफ नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं लोग फायर पॉइंट टेम्परेचर। क्लियर, फायर पॉइंट टेम्परेचर हमेशा 5 to 10 डिग्री सेल्सियस हायर होगा देन फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर। क्लाउड पॉइंट टेम्परेचर, क्लाउड, क्लाउड से आपको समझ में आता है क्लाउडी या हेजी, जो थोड़ा धुंधला दिखता है, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो क्लाउड पॉइंट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच द लुब्रिकेंट या कोई भी वोलेटाइल लिक्विड बिकम्स क्लाउडी और हेजी वेन कूल्ड। तो क्लाउड पॉइंट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी लुब्रिकेंट या कोई भी वोलेटाइल लिक्विड हमको क्लाउडी या फिर हेजी दिखता है जब हम कूलिंग करते हैं। पोर पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, पोर पॉइंट टेम्परेचर द टेम्परेचर एट विच द लुब्रिकेंट वोलेटाइल लिक्विड जस्ट सीजेस टू फ्लो आर एंटायर फ्यूल विल कंजील आर फ्री। मतलब पूरा का पूरा लुब्रिकेंट ऑयल या पूरा का पूरा वोलेटाइल लिक्विड उसका फ्लो स्टॉप हो जाएगा या पूरा का पूरा फ्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में, या पूरा का पूरा फ्यूल फ्रीज हो जाएगा या कंजील हो जाएगा, ये सारे एक ही टर्म है। क्लाउड पॉइंट एंड पोर पॉइंट, इसका मेन सिग्निफिकेंस आता है उन लुब्रिकेटिंग ऑयल में या उन वोलेटाइल लिक्विड में जिसका टेम्परेचर ड्यूरिंग विंटर बहुत कम हो जाता है। टेम्परेचर जब विंटर में कम होगा तो विस्कोसिटी इंक्रीज रहेगी। तो जनरली क्लाउड पॉइंट एंड पोर पॉइंट ज़्यादा सिग्निफिकेंस तब है हम जब विंटर सीजन की बात करते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, टेम्परेचर कम और विस्कोसिटी बढ़ जाती है। तो फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, क्लाउड पॉइंट, पोर पॉइंट। फ्लैश पॉइंट में आपको स्पार्क या आर्क जो भी इसको बोले कुछ टाइम के लिए दिखेगा, कुछ टाइम के लिए दिखेगा उसको बोलेंगे फ्लैश पॉइंट। फायर पॉइंट में कंटिन्यूस रहेगा, क्लाउड पॉइंट में क्लाउड या हेजी दिखेगा, और पोर पॉइंट में जो भी फ्लो सब स्टॉप हो जाएगा या इसको बोल देते हैं लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा पूरा सॉलिड में या फ्रीज हो जाएगा। और ये फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट आपको तभी दिखेगा जब आप कोई एक्सटर्नल सोर्स दे रहे हैं, ये लिखा ना इंटीग्रेटेड ओपन फ्लेम, आपको एक्सटर्नल सोर्स दे रहे हैं तभी दिखेगा आपको फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट। देखिए क्लाउड पॉइंट एंड पोर पॉइंट इंपॉर्टेंट कब हो जाता है, ड्यूरिंग विंटर सीजन। आपको पता है विंटर में टेम्परेचर कम होता है तो विस्कोसिटी बढ़ जाती है लिक्विड्स की, आपने पढ़ा होगा टेम्परेचर बढ़ाने पे गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ती है और लिक्विड्स की डिक्रीज होती है, उल्टा कर देंगे टेम्परेचर डिक्रीज तो लिक्विड और विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे ज़्यादा रोल आता है क्लाउड पॉइंट पोर पॉइंट। और कभी कभी लोग कुछ लोग कन्फ्यूज होते हैं इग्निशन टेम्परेचर बोलिए या सेल्फ इग्निशन या ऑटो इग्निशन, इसका ऊपर के 4 टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, ये हमें अलग से समझना है, कभी लोग कन्फ्यूज रहते हैं। देखिए ऑटो इग्निशन टेम्परेचर और इसे को किंडलिंग पॉइंट भी बोलते हैं, ये नोट कर लीजिए एग्जाम में आया हुआ है, किंडलिंग पॉइंट भी ऑटो इग्निशन टेम्परेचर ही है। आप इस सबस्टेंस इज द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच इट स्पॉन्टेनियसली फायर्ड, एट विच इट स्पॉन्टेनियसली फायर्ड
इन द नॉर्मल एटमॉस्फेयर विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इग्निशन सच एज ए फ्लेम आर स्पार्क। इसका मतलब यह है कि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर किसी भी वोलेटाइल लिक्विड का या किसी फ्यूल का वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर अगर आप कोई भी स्पार्क मत दीजिए या कोई भी फ्लेम मत दीजिए, ये ऑटोमेटिकली बर्न हो जाएगा। इस उस टेम्परेचर को बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर या सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, ऑटो इग्निशन नाम ही है, सेल्फ या ऑटो अपने आप बर्न हो गया, हमने कोई एक्सटर्नल फ्यूल नहीं दिया है, एटमॉस्फेयर में ही इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया उस टेम्परेचर से ही हीट होकर बर्न हो गया। आपने पढ़ रखा होगा CI इंजन में हम हमेशा चाहते हैं कि डीजल का सेल्फ इग्निशन कम से कम हो, क्योंकि डीजल का सेल्फ इग्निशन जितना कम होगा, जैसे ये फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल आया, डीजल आया, वो तुरंत एयर कंटेनर में बर्न हो जाए, और हम ये चाहते ही हैं इनके CI इंजन टू मिनिमाइज द नॉकिंग। तो डीजल का सेल्फ इग्निशन नियर अबाउट होता है 210°C। SI इंजन में हम चाहते हैं सेल्फ इग्निशन पेट्रोल का हाइयर हो, बिकॉज हमें डिटोनेशन को वहाँ पे अवॉइड करना है, क्योंकि अगर पेट्रोल ऑटोमेटिक बर्न हो गया एटमॉस्फेयर से हीट रेडिएशन लेके हीट बर्न हो गया तो डिटोनेशन हो जाएगा। हम चाहते हैं SI इंजन में पेट्रोल ऑटोमेटिक बर्न ना हो, उसको फ्लेम फ्रंट आके बर्न करे। तो एक स्मॉल टॉपिक तो मैंने बता दिया, डिटेल में आप डिटोनेशन लॉकिंग पढ़ते होंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा क्या फ्लैश पॉइंट फायर पॉइंट, फ्लैश मतलब कुछ टाइम के लिए दिखेगा, फायर कंटिन्यू दिखेगा, और ये दोनों किसी न किसी एक्सटर्नल सोर्स में होगा। क्लाउडी क्लाउड पर मतलब क्लाउडी दिखेगा, हेजी दिखेगा, पोर पॉइंट फ्लो सारा स्टॉप हो गया। और सेल्फ इग्निशन, ऑटो इग्निशन, इग्निशन का मतलब होता है विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स आपका वोलेटाइल लिक्विड फ्यूल बर्न हो गया। इसको देखिए डायग्राम से, जैसे ये मतलब कोई कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर एक फ्लेमेबल लिक्विड है और हमने इसको बाहर से एक फ्लेम दिया है, टेम्परेचर इस फ्लेम का नियर 10°C है, और इस फ्लेमेबल लिक्विड का फ्लैश पॉइंट 50, फायर पॉइंट 55। फायर पॉइंट हमेशा फ्लैश पॉइंट से ज़्यादा होगा, 5 से 6°C। और आपको पता है कि कोई भी फ्लेमेबल लिक्विड अगर कंटेनर में है तो सरफेस के आसपास इसी लिक्विड के कुछ वेपर रहते हैं हमेशा, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ता रहेगा, और जैसे टेम्परेचर हमने बढ़ा के फ्लैश पॉइंट 50 तक पहुँचाया, जैसे टम 50 पहुँचेगा तुरंत यहाँ पे आपको जितने भी वेपर थे पहले कंसनट्रेशन कम था, अब इनका कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गया है, तो ये वेपर एयर के कॉन्टैक्ट में आएंगे, कि फायर लगने के लिए एयर का होना जरूरी है। तो जैसे ही कॉन्टैक्ट में आएंगे कुछ टाइम के लिए आपको फायर दिखेगी, मतलब वो फ्लैश कुछ टाइम दिखेगा उसको, नियर अबाउट 5 सेकंड, तो उसको बोलते हैं फायर पॉइंट, इसको बोलते हैं फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर। क्लियर? अब अगर मान लीजिए फिर टेम्परेचर बढ़ा के 50 से 55 कर दिया तो आपको फिर फायर जो कंटिन्यूस दिखेगी मोर देन 5 सेकंड, इसको बोलते हैं फायर पॉइंट टेम्परेचर। अगर आपको कंटिन्यूस फायर दिख रहा है उस केस में आप उसके बाद इस फ्लेम को हटा भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फायर कंटिन्यूस रहेगी। तो चाहे फ्लैश पॉइंट हो चाहे फायर पॉइंट, दोनों केस में आपको एक्सटर्नल सोर्स या फ्लेम देना पड़ेगा। बट अगर मान लीजिए कंटेनर है, इसके अंदर एक फ्लेमेबल लिक्विड है, ठीक, और इस लिक्विड का खुद का कोई एक सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है, बट सराउंडिंग में जो मान लीजिए एटमॉस्फेरिक एयर है, इस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ गया, बहुत सारे रीजन है, रेडिएशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, कुछ भी है, इसका टेम्परेचर बढ़ते गया, बढ़ते बढ़ते जगह टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि ये रखा हुआ कंटेनर के अंदर जो फ्लेमेबल लिक्विड है ये बर्न हो गया, हमने जबकि कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं दिया है, ये ऑटोमेटिक बर्न हो गया, इसी को बोलते हैं हम लोग सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। सेल्फ का मतलब होता है ऑटोमेटिक बर्न हो जाना, एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी एक्टिविटी जो टेम्परेचर बढ़ गया, रेडिएशन है, ग्लोबल वार्मिंग कुछ भी है, इसका टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा और बढ़ते ही जैसे कॉन्टैक्ट में आया इसके फ्लेमेबल लिक्विड के टेम्परेचर बढ़ने के बाद, तो ये ऑटोमेटिक बर्न हो जाएगा, इसको बोलते हैं सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। और पोर पॉइंट क्लाउड पॉइंट देखिए क्या होता है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर फ्लेमेबल लिक्विड है 30°C पे। अब मान लीजिए हम विंटर सीजन में काम कर रहे हैं, आपको पता है विंटर में टेम्परेचर कम होता है, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, तो जैसे ही लिक्विड इस पाइप के अंदर आता है तो इतना कम टेम्परेचर होने के कारण और विस्कोसिटी ज़्यादा होने के कारण ये क्या होता है, लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, या सीज हो जाता है, या कंजील हो जाता है, सब एक ही टर्म है, तो उसको बोलते हैं पोर पॉइंट टेम्परेचर। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, इस पाइप के चारों तरफ स्टीम से हीट सप्लाई करते हैं ताकि फिर से ये अपने लिक्विड शेप में आ जाए। ठीक है, तो ये था बेसिक आइडिया आपको फ्लैश पॉइंट, पोर पॉइंट, इग्निशन पॉइंट, क्लाउड पॉइंट और फायर पॉइंट। आई होप आपको लेक्चर ये अच्छा लगा होगा, अगर आपको ऐसे ही और अच्छे कंटेंट चाहिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।